कैबिनेट की बैठक बड़ी खबर इस पर की है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और उसके बाद प्रेस से बात कर रहे हैं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा। मंत्री जी लेंगे जो पहला बिंदु आया वो ग्राम उम्बा जनपद सोनभद्र का है कि चिन्हित पात्र परिवारों तथा SECC 2011 जो सोशो इकोनॉमिक का सेंसस है 2011 का, उसमें छूटे हुए पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। आप लोगों को पता है आयुष्मान भारत भी चल रहा है, उसमें कुछ लोग जो छूट गए वो छूटे हुओं को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में लिया जा रहा है। स्कीम जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है वही स्कीम यहाँ पे भी है, 5 लाख की वहां पे भी स्वास्थ्य बीमा है, यहाँ पे भी स्वास्थ्य बीमा है। तो ऐसे कोई 37 परिवार थे जो छूटे हुए थे ग्राम उम्बा जनपद सोनभद्र में, तो उन लोगों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। साथ ही साथ जब आपको याद होगा एक साल पहले ये SEC जो डाटा है 2011 का, उसके बाद काफी लोगों को उसमें छूट गए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय किया था कि ग्राम सभा के लोग जो है वो ग्राम विकास के मंत्रालय के माध्यम से इसको जो छूटे हुए उनका सर्वे किया जाएगा। ऐसे 10.12 लाख परिवार ऐसे और आए थे, उन लोगों को अलग से प्रधानमंत्री में तो नहीं ले सकते थे मगर मुख्यमंत्री जन आरोग्य में लिया गया था। और ये हम लोग ने एक्सरसाइज जो थी ये 2019 के चुनाव के दौरान भी कर ली थी। साथ ही साथ जब हम लोग ने दोनों SEC 2011 का डाटा और जो ये 10.12 लाख परिवारों का जो डाटा मिला है, तो ऐसे परिवार निकले जो कॉमन थे, 1.68 लाख परिवार कॉमन निकले। तो आज एक और अनुमोदन किया गया है इसी स्कीम के तहत कि 1.68 लाख परिवार जो हैं उसके जो इस प्रकार से आएंगे उन लोगों को मुख्यमंत्री जी के लेवल पे इस पर निर्णय करते हुए, इनका सर्वे करवाते हुए, हर मानक को देखते हुए इन लोगों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि 10.12 लाख परिवार का जो पैसा था वो मिल चुका है। तो इसलिए 1.68 लाख जो कॉमन है, क्योंकि अब जब कॉमन है तो वो आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य में तो कवर्ड है ही है, तो यहाँ पे भी 10.12 तक ही पहुंचने के लिए 1.68 लाख का पैसा है, तो वो इन लोग को भी कवर कर लिया जाएगा जी। ऐसा अभी तो समझाया मैंने कि वहां पे जब दोनों जगह आ गया है तो वहां से काट के इस तरफ कर दिया गया है, और 1.68 लाख और लोगों को जो उत्तर प्रदेश में जो छूटे हुए हैं उन लोगों को जोड़ा जाएगा। आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में कतिपय संशोधन किए जाने के संबंध में, ये पुरानी स्कीम है BPL कार्ड्स के लिए, मगर ये BPL कार्ड के लिए जो स्कीम चल रही थी स्वास्थ्य की, उसमें एक लिमिट लगा रखी थी 24,000। अब ये 24,000 तक की ही इनको स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं या इनको खर्चा आपको दिया जा सकता है, लेकिन जो BPL की जो धनराशि है वो समय समय पे बढ़ती रहती है। आज के दिन पर ग्रामीण क्षेत्र में वो 46,000 के लगभग है, साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र है वो 56,500 के आसपास है। तो
तो 24,000 का कोई औचित्य नहीं रहता, तो इसलिए संशोधन जो किया जा रहा है वो 24,000 हटा रहे हैं और खाली ये कहा जा रहा है कि साथ ही रोगी के परिवार की आय बीपीएल के लिए निर्धारित धनराशि के बराबर हो, इक्विवेलेंट टू बीपीएल धनराशि जो निर्धारित की जा रही है उस तक, उस धनराशि तक की उन लोगों के लिए धनराशि स्वास्थ्य के लिए वो उपलब्ध हो। तो जो 24,000 था उसको हटा दिया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ जो सरकारी अस्पताल हैं वो कम थे, अब उसकी भी संख्या या उसमें और भी जोड़े जा रहे हैं। पहले जो आपको बता दें, जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करवाते थे उसमें पीजीआई था, छत्रपति शाहू जी महाराज से संबंध गांधी मेमोरियल चिकित्सालय था, केंद्र सरकार के नियंत्रण के बीएचयू बनारस जो है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज था और प्रदेश के बाहर एम्स में उपचार के अवेलेबल थे। अब इसके इनके साथ साथ प्रदेश में वर्तमान समस्त राजकीय चिकित्सालयों को जोड़ा जा रहा है, मेडिकल कॉलेजों जो सर हैं वो उनको जोड़ा जा रहा है, राज्य सरकार के अनुदान से संचालित समस्त चिकित्सालयों में इलाज की सुविधा हो गई, तो इन लोगों को और एडिशनल जोड़ा जा रहा है। ये दो संशोधन आज इस स्कीम के अंदर जो आरोग्य निधि के माध्यम से जो कवर्ड होते हैं उनको हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। या 24 आपके जो बताए ना, जो आपकी बीपीएल की, जो ये बीपीएल के लिए है, जो बीपीएल का जो ग्रामीण है वो 46,000 है, वो मैक्सिमम हो गया, जो शहर में वो 56,000 है, वो 56,000। कैबिनेट की बैठक में जो अहम प्रस्ताव पास हुए हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। अवैध खनन रोकने के लिए टोल प्लाजा पर आरएफआई सिस्टम लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य संपत्ति विभाग में 16 नए वाहनों की खरीद के संबंध में भी प्रस्ताव। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।